The internet is full of bro science, fake knowledge, half information or propaganda. Your quest of reliable, authentic health information ends here. So subscribe this channel and hit the bell icon and you never have to go anywhere else ever again. Hello everyone, how are you today? Namaskar, adab, sat sri akal, kaise hain aap? Main hoon Dr. Paramjeet aur aap dekh rahe hain Dr. Education. Mere channel mein aapka swagat hai aur jaisa ki aap jante hain, hum health aur health care ke bare mein simplified medical information dete hain. Verified knowledge hoti hai, directly referenced hoti hai US National Medical Library se. Aur aaj hum baat karenge night falls ke bare mein. Ji haan, ye bahut hi important topic hai. Kyun? Kyunki बहुत लोग इससे एक्चुअली तकलीफ में हैं, सोच रहे हैं कि उन्हें कोई बीमारी है, कोई कैंसर है, इन्फेक्शन है, कहीं वो मर तो नहीं जाएंगे. तो इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना बहुत जरूरी है. और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इसकी है कि इसके बारे में गलत इंफॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा तादाद में, बहुत ज्यादा गलत तरीके से, बहुत ज्यादा वेबसाइट्स में पाई जा रही है. मैंने खुद जब देखा इंटरनेट पे क्या नॉलेज है, तो इट्स सो रॉन्ग कि पूछो मत. पीपल आर जस्ट अपने हिसाब से उल्टी सीधी बातें आपको बता रहे हैं कि पता नहीं क्या हो रहा है, आपका शरीर जो है कमजोर हो रहा है, नसें कमजोर है, प्रोस्टेट में प्रॉब्लम है, आपके इमोशंस आपसे कंट्रोल नहीं होते, आप बहुत मैस्टरबेट करते हो, आप बहुत पॉर्न देखते हो, आपको इसलिए ये हो रहा है, आपको ये हो जाएगा, आपने दवाई खा ली, आपने वो दवाई एलोपैथिक खा ली इसलिए हो गया, आपकी लाइफस्टाइल, आप ओबेसिटी, डायबिटीज एक्सेट्रा एक्सेट्रा. लोग इतने गलत तरीके से गलत कारण दे रहे हैं इस चीज के, और इसको ठीक करने के लिए लोगों को फिर अपने क्लिनिक में बुलाते हैं, प्रोडक्ट्स बेचते हैं, डाइट प्लान बेचते हैं अपने आप को. क्यों इतना गलत इंफॉर्मेशन, क्यों? सो इसीलिए ये वीडियो बहुत जरूरी है, ताकि आपको पता चले ये चीज क्या है, कैसे होती है, कितनी कॉमन है, कितनी अब नॉर्मल है या नॉर्मल है. तो आइए बात करते हैं नाइटफॉल के बारे में. नाइटफॉल को और भी कई नाम से जाना जाता है, वेट ड्रीम्स कहा जाता है, लूसिड ड्रीम्स कहा जाता है, इसे नॉक्चुरनल एमेसिस कहा जाता है मेडिकल लैंग्वेज में, और या इनवॉलेंटरी इजैक्युलेशन भी कह सकते हैं. नॉक्चुरनल मतलब नाइट टाइम, एमेसिस मतलब इजैक्युलेशन, यानी एमिट करना. और इसे फीमेल्स में भी होता है, मेल्स में भी होता है, फीमेल्स में होता है. फीमेल में इसको सिर्फ वेजाइनल वेटनेस होता है, ठीक है. सो क्या है ये, लेट्स लुक इनटू दिस. देखिए, नाइट फॉल में उसका मतलब सिम्टम क्या, अगर आपको कभी भी आपके अंडर पैंट्स में, पजामाज में कोई वेट गीली सूखी स्पॉट्स, गीली स्पॉट्स दिखती है, वेट स्पॉट्स दिखते हैं अंडर पैंट में, व्हाइटिश स्पॉट्स, जो आपको पता है यूरिन नहीं है, लेकिन वो क्या है, फिर आप घबरा जाते हो, डर जाते हो, कहीं कोई इन्फेक्शन तो नहीं, कोई पस तो नहीं आ गया, कहीं सीमन है तो क्यों निकल रहा है बार बार, ऐसा क्यों हो रहा है, कहीं कोई अबनॉर्मलिटी तो नहीं है. So that's what it is. This is nightfall. This is basically wet dreams, nightfall. और ये कोई infection नहीं है, हाँ, लेकिन आप embarrassed हो सकते हो, आपके मन में गलत बातें आ सकती है, लोग आपको गलत चीजें बता सकते हैं, आप डर सकते हो, guilty feel कर सकते हो, उसके वजह से depression में भी जा सकते हो, लेकिन ये बीमारी नहीं है. Nightfall is normal. जिस तरह आपका boner आना, आप जब एक्साइट होते हैं तो आपका पेनिस बड़ा होता है, इरेक्ट होता है, वो नॉर्मल है, वो एबनॉर्मल नहीं है, ये एबनॉर्मल नहीं, ये नॉर्मल रिस्पॉन्स है. उसी तरह नाइट फॉल्स होना भी नॉर्मल रिस्पॉन्स है. मैं बताता हूं कैसे. नाइट फॉल किसको होते हैं, मेल्स को, फीमेल्स को, दोनों को. कब होते हैं, ऑलमोस्ट 97% सबको होते हैं, सबको, दुनिया में सबको कभी ना कभी एक ना एक बार नाइटफॉल होते ही हैं. और ये ज्यादातर कब होते हैं, प्यूबर्टी के टाइम, जब 13 से 17 साल की उम्र में आपके हॉर्मोन्स, आपका ग्रोथ स्पर्ट होता है, मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होता है, फीमेल्स में ईस्ट्रोजन ज्यादा होता है, उस समय आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स शुरू होती है, इतना ज्यादा होता है आपके अंदर टेस्टोस्टेरोन या ईस्ट्रोजन कि आपकी सेक्सुअल फीलिंग्स के साथ साथ सेक्सुअल ड्रीम्स भी आनी शुरू होती है. उस समय सबको सेक्सुअल ड्रीम्स आती हैं, एक ना एक बार सबको सेक्सुअल फीलिंग्स होती हैं, और ये सेक्सुअल ड्रीम्स के साथ रात को एक्साइट होना नॉर्मल है.
रात में कई बार बोनर आता है, कई बार वजाइना वेट होता है, एक्साइटमेंट होता है, कई बार सुबह सुबह भी होता है, अर्ली मॉर्निंग में होता है, ये नॉर्मल है उस उम्र में भी और आगे एडल्टहुड तक चल सकता है, किसी किसी का और आगे तक चल सकता है, जिंदगी में आगे तक रह सकता है, ये नॉर्मल है। एक्साइट होना, नाइट टाइम इरेक्शंस होना, अर्ली मॉर्निंग इरेक्शन होना, ये नॉर्मल है। और उस इरेक्शंस में, एक्साइटमेंट में, वेट ड्रीम्स में, उस सेक्सुअल ड्रीम में आपको ऑर्गेजम आ सकता है, आपको ऑर्गेजम आता है, इजैकुलेट हो जाता है। मेल्स में इजैकुलेशन आएगा, नाइटफॉल हो जाएगा, फीमेल्स में वजाइना वेट हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेट हो जाएगा। दोनों ही केस में आप ऐसी ही ड्रीम्स के बाद, सेक्सुअल ड्रीम्स के बाद जाग भी सकते हो, और हो सकता है आप सोए रहो सुबह तक, आपको पता ना चले, सुबह देखे कि वेटनेस हो गया है। ये नॉर्मल चीज है, कोई बीमारी नहीं, कोई इंफेक्शन नहीं, कोई एबनॉर्मलिटी नहीं है, इससे कोई शरीर में दिक्कत नहीं आती है। ये सिर्फ आपके हॉर्मोन ज्यादा होने की वजह से है, टेस्टोस्टेरोन ज्यादा होने की वजह से उस उम्र में। इसीलिए बॉडी बिल्डर्स को भी ये ज्यादा होता है, इसीलिए एक्सरसाइज करने वालों को ये ज्यादा होता है, एक्सरसाइज करने वालों को सेक्सुअल फीलिंग ज्यादा हो जाती है, क्योंकि उनके टेस्टोस्टेरोन ज्यादा, मेल हार्मोन, द मेल मेन मेल हार्मोन जो आपका मेन हार्मोन है वो बढ़ जाएगा, तो आपकी सेक्सुअल फीलिंग, मर्दाना लुक, मर्दाना फीलिंग्स बढ़ जाती हैं, आपको दूसरों के फीमेल्स के थ्रू, या मेल को फीमेल, फीमेल को मेल के थ्रू सेक्सुअल फीलिंग आती है, आपको रात को सेक्सुअल ड्रीम्स आते हैं, इरेक्शंस होते हैं, बोनर होता है, रात को इजैकुलेट हो जाता है, ऑर्गेज्म हो जाता है, कंप्लीटली नॉर्मल। इसीलिए जो लोग टेस्टोस्टेरोन बूस्टर्स लेते हैं उनको ज्यादा होता है, आगे उम्र तक हो सकता है। बॉडी बिल्डर्स में दो, बहुत सारी कंपैरेटिव स्टडीज हैं, ऐसी स्टडीज हैं, जब एक ग्रुप लिया उनमें से पूरे टोटल ग्रुप में सिर्फ 17% लोगों को होता था नाइटफॉल्स, और उस ग्रुप को जब हाई डोज स्टीरॉइड दिया गया उस ग्रुप में 90% लोगों को नाइटफॉल शुरू हो गए। कैन यू इमेजिन दैट? सो स्टीरॉइड्स डू दिस, योर फीलिंग्स आर रिलेटेड टू योर हॉर्मोन्स, योर ड्रीम्स आर रिलेटेड टू योर हॉर्मोन्स एंड योर थिंकिंग। सो आपकी ड्रीम्स, सेक्सुअल ड्रीम्स आपके स्टीरॉइड लेवल्स के साथ आती है, और इसमें हेल्प करेगा आपके खुद का सोच, आपके खुद के दिन भर में क्या चल रहा है, आपकी स्ट्रेस लेवल, आपका कुछ और एग्जाम्स तो नहीं है, डिप्रेशन तो नहीं है, वो सब चीजें नहीं है, आप हैप्पी हो, ये हो, तो ये होगी, इट्स नॉर्मल। इसकी वजह से डिप्रेस हो जाओगे, ये होगा, वो होगा, हो सकता है ये आपको डिप्रेस कर दे, लोग के कहना, लोगों की बातें, इंटरनेट की बकवास चीजें पढ़ पढ़ के, कई लोग ये कह रहे हैं कि इससे आपको कमजोर होते जाओगे, लेजीनेस होते जाओगे, क्या ओनर, क्या एक्साइट हो जाने से आप कमजोर हो जाओगे, आप दिन में 10 बार एक्साइट हो जाओगे तो आप कमजोर हो जाओगे, आपको पब्लिक में बोनर आएगा या कहीं पे बोनर आएगा तो आप कमजोर हो जाओगे, नहीं। इससे कहते हैं आपकी बॉडी गलत इफेक्ट आएगा, आपको ज्यादा भर होगा, आपका लिबिडो कम हो जाएगा, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक्साइट हो रहे हो, नींद में भी एक्साइट हो रहे हो, आपका लिबिडो कम हो रहा है कि बढ़ रहा है? लोग कहते हैं आपको नाइट टेरर्स आएंगे, आपको स्लीप पैरालिसिस होगा, आपका सेंसेशन बढ़ कम हो जाएगा जेनिटल्स का, आपको बर्निंग होगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, व्हाट नॉट, देयर आर सो मेनी रॉन्ग थिंग्स। कि आपने पॉर्न ज्यादा देख लिया, आपने मैस्टरबेट ज्यादा कर लिया, उससे कोई लेना देना नहीं है, इसका कोई लेना देना, हाँ मैस्टरबेशन ज्यादा करने से बल्कि आपकी सेंसिटिविटी कम हो सकती, हो सकता है ये कम हो जाए विद एक्सपीरियंस, विद एक्सपीरियंस, सेक्सुअल एक्सपीरियंस, खुद से आप ही चलती, राइट? सो इसी से ही कम होता है ओवर टाइम, जिसको भी हो रहा है, बट प्यूबर्टी के टाइम हो रहा है, या आगे हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी के टाइम हो रहा है, या एक्सरसाइज करते समय नेचुरल टेस्टोस्टेरोन बूस्ट हो रहा है उसके वजह से हो रहा है, या टेस्टोस्टेरोन बूस्टर लिया उसके वजह से हो रहा है, कभी तो टेस्टोस्टेरोन धीरे धीरे कम आएगा, और जैसे जैसे टेस्टोस्टेरोन कम आएगा वैसे वैसे ये कम होता जाएगा, और जैसे जैसे ये कम होगा आपको कुछ है ही नहीं, कोई बीमारी नहीं है, तो फिर इलाज काहे का? दिस इज नॉट अ डिजीज, इट डज नॉट नीड एनी प्रोडक्ट, नॉट, नो डाइट प्लान, नो ट्रीटमेंट, इट डज नॉट हैव एनी साइड इफेक्ट्स, ओनली व्हाट इज देयर इन योर माइंड, ओनली दैट यू आर थिंकिंग रॉन्ग, ओनली यही कि आपको गलत सिखाया जा रहा है, यही कि आप गलत सोच रहे हो, यही कि आप एम्बैरेस हो रहे हो, गिल्टी फील कर रहे हो, और कुछ नहीं, उसकी जरूरत नहीं है। दिस इज नॉर्मल, एवरीबडी गोज थ्रू दिस, आपके माता पिता भी, आपके दादा दादी भी, सबको उस उम्र में ये चीज हुई है, और आपके बच्चों को भी होगी, आपके आस पड़ोस, सामने बैठे वाला, आजू बाजू वाला, सबको होगी। सो दिस इज अ नॉर्मल थिंग। जिस तरह आप कुछ एक्साइटिंग चीजें देखते हैं तो आपको, आपको इरेक्शन होता है,
वो एक नॉर्मल चीज है, उतनी ही नॉर्मल ये चीज है, उसके लिए भी कोई दवा की जरूरत नहीं, इसके लिए भी कोई दवा की जरूरत नहीं। ओवर टाइम ये ठीक हो जाएगा, ओवर टाइम विद एक्सपीरियंस धीरे धीरे ये ठीक हो जाएगा। मगर अगर आप गलत सोचने लग गए, अगर आप उस चीज के बारे में स्ट्रेस लेने लग गए, उससे डिप्रेस होने लग गए, तो फिर आपका काम जाने। तो दिस इज अ नॉर्मल थिंग। और फीमेल्स में एक बात बता दूं, फीमेल्स में अगर आपको नाइट फॉल हो रहे हैं, उसका मतलब यह है कि आपको सेक्सुअल ड्रीम आएगी, वजाइनल वेटनेस होगा, एंड उस ड्रीम के वेटनेस ऑर्गेजम के बाद आप जाग जाओगे। अगर आप नहीं जाग रहे हो तो आपकी वेटनेस सुबह जो आ रही है वो बहुत से कारणों से हो सकती है, और भी कारणों से, लेकिन मेल्स में वेटनेस सुबह मिल रही है या आप रात को जाग रहे हो, इट्स नाइट फॉल्स। ओके, सो ये हुई चीज, ये नॉर्मल है, कोई बीमारी नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, एक्सपीरियंस के साथ ये ठीक हो जाएगा। प्लीज गलत इंफॉर्मेशन से बचिए, इंटरनेट पे बहुत गलत लोग हैं, बहुत गलत इंफॉर्मेशन है, जो हो सकता है ऐसे भी लोग हैं जो 10 सही बातें और 4 गलत बातें बताते हो। सो रिमेंबर टू डू योर ओन रिसर्च, हर चीज के बारे में डू योर ओन रिसर्च ऑन प्रॉपर साइट्स, पबमेड, यूएस नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी या गवर्नमेंट की वेबसाइट पे आप स्टडीज करिए, कोई भी, इंडिया गवर्नमेंट, बाहर की गवर्नमेंट, डजंट मैटर, राइट, गवर्नमेंट वेबसाइट, गवर्नमेंट, राइट। और नाइट फॉल्स में कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बॉडी पे कोई इफेक्ट नहीं है। हाँ, बिकॉज आप रात को खुद को टच करने, हो सकता है आप इनवॉलेंटरी खुद को टच करें और अनहाइजीनिक कंडीशन में टच करें, राइट, उस समय हाथ में क्या है क्या नहीं धोया नहीं है, तो वहां पर इन्फेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ दैट, और एल्स कुछ नहीं, और एल्स कोई ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं, इट्स नॉर्मल, नथिंग टू बी एम्बैरेस, कोई फिजिकल मेंटल प्रॉब्लम नहीं है, राइट, ना आपको ना होने वाले आपके किसी भी फ्रेंड को या बच्चों को, किसी को भी। मेक श्योर कि ये सही इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचे। अगर आपको ये इंफॉर्मेशन अच्छी लगी है, लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, कोई शर्म की बात नहीं है, ये उतना ही नॉर्मल है जितना कि रिप्रोडक्शन, जितना कि आप अपने बच्चे पैदा करते हैं शादी होने के बाद, इसमें कोई शर्म नहीं है, इसके बारे में बात करने में कोई टेंशन मत करिए, टॉक अबाउट इट, इट्स नॉर्मल, इट्स अ नॉर्मल थिंग। सो प्लीज शेयर दिस वीडियो। आई एम डॉक्टर परमजीत, आई एम अ कंसल्टेंट फिजिशियन एंड कार्डियोलॉजिस्ट in Yashoda Super Speciality Hospital, Nehru Nagar, Delhi NCR, and this is my channel, right? If you want to talk to me, consult me, Librate, Practo, DocWise, three applications ke link humne niche diye hain, three websites hain, aap jaake wahan se mujhse consult kar sakte hain, baat kar sakte hain, live aate hain hum YouTube pe, Dr. Education FAQ channel, aur Instagram pe, aap wahan pe aake live humse sawal jawab bahas kar sakte hain, pehle 10 logon ke sawal ke jawab hum dete hain, so make sure kariye to follow me on Instagram and Dr. Education FAQ चैनल, लाल रंग का यही आइकॉन मिलेगा आपको। बाकी ऑल यू नीड टू स्टे हेल्दी इज स्टे कनेक्टेड।